कोसीकला में शनिवार को देर शाम को पुराना जीटी रोड पर स्थित गुप्ता टायर पर चोर ग्राहक बनकर गले से 60,000 रुपए चोरी कर ले उड़े। इस घटना की पीड़ित दुकानदार ने थाने में तहरीर दी है। आपको बता दें कि शनिवार की देर शाम को अपाची बाइक पर सवार होकर दो लोग गुप्ता टायर पर पहुंचे। इस दौरान वहां कर्मचारी काम पर लगे हुए थे। जैसे ही कर्मचारी दुकान से सामान रखने के लिए सामने वाली दुकान पर गए, तभी चोरों ने मौका पाकर दुकान के गले का लॉक तोड़ दिया और उसमें रखे 60,000 रुपए चोरी कर ले गए। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित दुकानदार तरुण गुप्ता ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। इस संबंध में पीड़ित दुकानदार ने जानकारी देते हुए बताया, मेरे मिलने वाले ने आवाज लगाई, दो आदमी आए हैं, वो बाहर से घुसा है दुकान में से कैमरा ऊपर किया, कैमरा ऊपर करके गल्ला दूरा, इतनी देर में बाहर निकल गए वो। मैं अंदर आया हूँ तब तो बाहर मुझसे पूछा है कि वन की भाई स्कॉर्पियो का टायर मिल जाएगा। मैंने उससे कहा, मैंने भाई हमारी इस दुकान पर नहीं मिलता, पर बाईपास वाली दुकान पर मिलता है। उन्होंने कहा वन की भाई बाईपास वाली दुकान कहाँ है। बाईपास वाली दुकान हमारी सब्जान घाट से थोड़ा आगे और ठहरे हाथ पर होटल की तरफ। उन्होंने कहा वन ऊँची सी कांचों वाली दुकान में, हाँ जी मैंने वही है, उतना पूछ के वो चलते बने। इस चीज़ की तो बाद में हमको पता पड़ी है जब कैमरा ऊपर है। कितने लोग थे? 60,000 नहीं, कितने लोग थे? बाइक के माथे में निशान भी है, गड्ढा सा है और एक लड़का गुट्टा सा है। कौन सी बाइक थी उनके पास? FZ बाइक। कौन सा कलर था? कलर तो ज़्यादा नहीं देखा सर।